स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी। अगर स्टूडेंट आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जैसे कि सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जेम या आईएएस ऑप्शनल, उन सब के लिए मैं यहाँ पे कंटेंट डेवलप करता हूँ और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से मुझे यहाँ मिल रहा है। और स्टूडेंट यहाँ पे जो आईटैब है यहाँ पे जाके मेरे पुराने सभी वीडियोज को देख सकते हैं। और स्टूडेंट अभी मैं यहाँ जो टॉपिक लेके चल रहा हूँ वो है ट्रिपल इंटीग्रल, जिसके अंदर मैंने दो वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो भी यहाँ पे आईटैब पे जाके आप देख सकते हैं। अगर वो देखेंगे तो ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आने वाला है आपको। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिस्क्रीट इंटीग्रल, और यहां पे जो लेवलीज एक्सटेंशन ऑफ तो होता है ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल वो क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। मतलब ये एक फार्मूला है डिरिचलेट इंटीग्रल का, इसके अंदर इसकी जो वैल्यू होती है वो सीधी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या होता है देखिए, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x पावर l माइनस 1 y पावर m माइनस 1 z पावर n माइनस 1 dx dy dz, तो इसकी वैल्यू होती है गामा l प्लस इनटू गामा m इनटू गामा n डिवाइडेड बाय गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, right, where v denotes the closed region bounded by coordinate plane and plane x plus y plus z, ये condition है, ये condition में ही इसकी value इसके बराबर होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। इसका Lovelace extension of this Dirichlet theorem क्या होता है, triple integration of x power l minus 1 y power m minus 1 z power, यहाँ तक तो same है, यहाँ पे एक function और आ जाता है fxyz dx dy dz, तो इसकी value होती है gamma m gamma n gamma gamma n divided by gamma l plus m plus n 0 to h u पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 f u du, तो इसके बराबर इसकी वैल्यू होती है। अभी कैसे करना है क्या करना है वो मैं आपको भी सिखाने वाला हूं। एक बार अपन ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये वाला भी बताता हूं कि कैसे हम लेवलीज एक्सटेंशन को यहां पे डिरिचलेट थ्योरम में अप्लाई करते हैं, राइट। सो देखिए अब यहां पे क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नॉर्मल तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में स्फीयर का वॉल्यूम निकाला था, पर बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, तो यहां पे अगर ये कांसेप्ट यूज करेंगे तो हमारा 2 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड ऑफ द पॉजिटिव ऑक्टेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका पॉजिटिव ऑक्टेंट का वॉल्यूम निकालेंगे, है ना, फिर हम क्या करेंगे इसको एट टाइम्स कर देंगे, राइट, क्योंकि टोटल 8 ऑक्टेंट्स होते हैं ना, तो 9 यहां पे क्या होगा वॉल्यूम ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz, और हम यहां पे लेस देन इक्वल टू 1 पे इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे लेट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को मैं मान लेता हूं s, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को मान लेता हूं मैं t, मैं यहां लिख लेता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, लेट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को मान लेता हूं s, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को मान लेता हूं मैं t, और z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर को मान लेता हूं मैं r, है ना, या stu मान लीजिए, है ना, ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप, चलो u ले लो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो क्या करेंगे, अब देखो हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये उधर जाएगा, तो s a स्क्वायर एंड अंडर रूट, राइट, तो इसकी वैल्यू होगी a रूट s, है ना। इसी टाइप से हम यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी b रूट t, इसी टाइप से हम z की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी c रूट u, राइट, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, है ना। देन हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी dx, तो ये s की पावर 1 बाय 2, चलो मैं इसको 1 बाय 2 लिख लेता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, यहाँ भी 1 बाय 2 लिख लेता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ भी 1 बाय 2 रख लेता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये 1 बाय 2 आगे आएगा तो a बाय 2, और यहाँ पावर हो जाएगी s पावर माइनस 1 बाय 2, है ना, इंटू ds, क्लियर है। इसी टाइप से यहाँ पे हम इसका करेंगे तो ये आएगा dy इज इक्वल टू b पावर 1 बाई टू टी पावर माइनस 1 बाई टू इंटू डी टी, इसी टाइप से हम इसका करेंगे तो यह आएगा dz इज इक्वल टू सी बाई टू यू पावर माइनस 1 बाई टू इंटू डी यू। स्टूडेंट dx dy dz की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, है ना, तो क्या आएगा देखो इसकी वैल्यू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको x, इसको s और इसको t और इसको u मान लिया, तो यहाँ पे जो कंडीशन हो जाएगी वो क्या होगी मैं बाद में करता हूँ, पहले हम dx की वैल्यू रखते हैं, तो dx की वैल्यू कितनी आएगी a बाई टू एस पावर 1 बाई टू डी एस, है ना, देन यहाँ रखेंगे b बाई टू
टी पावर माइनस वन बाई टू डी टी और ये आएगा आपके पास सी बाई टू यू पावर माइनस वन बाई टू डी यू है ना। और यहाँ वी ले लेंगे वेयर वी इज क्या होगा यहाँ पे एस प्लस टी प्लस यू लेस देन इक्वल टू वन क्योंकि हमने इसको एस लिया इसको टी लिया और इसको यू लिया है राइट। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता है स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे ए बी सी देखो ए बी सी और टू 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 बाहर आ जाएगा तो यहाँ आएगा आपके पास ये ए बी सी अपॉन एट यहाँ आएगा आपके पास एस की पावर माइनस वन बाई टू टी की पावर माइनस वन बाई टू एंड यू की पावर माइनस वन बाई टू डी एस डी टी डी यू। तो देखो यहाँ पे लेवलिज जो डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रल है वो वाला कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे है ना एक्स वाई जेड की जगह वहाँ पे एस टी यू है ना। तो हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए ये एल माइनस वन है मतलब एक कब है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको उसको अगर इस क्षर में आप लेके आना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख के आ सकते हो ए बी सी मैं एक जोड़ता हूँ एक माइनस करता हूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ वन माइनस वन बाई टू है ना सॉरी वन बाई टू माइनस वन लेना पड़ेगा आपको वन बाई टू माइनस वन टी वन बाई टू माइनस वन एंड यू वन बाई टू माइनस वन डी एस डी टी एंड डी यू। देखो भाई वन बाई टू में से वन गया तो माइनस वन बाई टू आएगा तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं या आपको नहीं समझ में आ रहा तो वन को ऐड कर दीजिए वन को सबट्रैक्ट कर दीजिए है ना। तो मैं यहाँ पे इसको आगे इसका इंटीग्रेशन यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ तो ये आएगा एट ए बी सी सॉरी ए बी सी अपॉन एट ठीक है। अब देखो यहाँ पे एल की वैल्यू वन बाई टू एम की वैल्यू वन बाई टू और एन की वैल्यू वन बाई टू आ रही तो यहाँ इसका फार्मूला होता है ये हम अप्लाई करेंगे तो ये आएगा गामा वन बाई टू गामा वन बाई टू गामा वन बाई टू है ना एल एम एन की वैल्यू वन बाई टू रख दी एंड देन वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू प्लस वन तो ये आएगा आपके पास वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू एन प्लस वन राइट। सो गामा वन बाई टू की जो वैल्यू होती है वो रूट पाई होती है स्टूडेंट मैं अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो गामा बीटा पे मैंने बहुत अच्छे कंटेंट अपलोड करा दिया आई टिप पे जाके आप गामा बीटा का वीडियो भी देख सकते हैं उससे आपको समझ में आएगा कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं राइट। सो ए बी सी इसकी वैल्यू आएगी रूट पाई रूट पाई रूट पाई और स्टूडेंट यहाँ पे जो आएगा वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू तो थ्री बाई टू थ्री बाई टू प्लस वन तो फाइव बाई टू तो ये गामा फाइव बाई टू आएगा गामा फाइव बाई टू कैसे लिखते हैं हम थ्री बाई टू वन बाई टू एंड गामा वन बाई टू राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे गामा वन बाई टू से गामा वन बाई टू कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे एक्चुअली ये आएगा एट ए बी सी है ना ये ए बी सी था ना तो ये एट यहाँ के लिख लेते हैं यहाँ पे ठीक है। नाउ क्या आएगा देखो यहाँ पे एट ए बी सी है ना ये आएगा रूट पाई रूट पाई रूट पाई देन यहाँ आएगा ये थ्री और ये फोर ऊपर चला जाएगा आपके पास है ना और ये गामा वन बाई टू की वैल्यू भी रूट पाई होती है तो स्टूडेंट रूट पाई से रूट पाई क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल देन ये रूट पाई पाई हो जाएगा तो ये हमारे पास होगा थर्टी टू ए बी सी अपॉन थ्री इंटू पाई है ना। तो ये हमारा क्या आएगा आंसर। तो पर ये तो हमारा पॉजिटिव ऑक्टेंट का है पर हमें तो पूरा एलिप्सॉइड का निकालना तो इसको हम क्या करेंगे एट टाइम्स करेंगे तो मैं बताता हूँ आगे इसको क्लियर करके। सो स्टूडेंट यहाँ पे करेक्शन है थोड़ा सा गलती होगी मुझसे ये एट नीचे आएगा है ना ये एट नीचे आएगा तो यार ये एट नीचे आएगा तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा टू तो ये आएगा आपके पास गलती से ये आ गया आपके पास यहाँ पे सिक्स है ना तो ए बी सी बाई सिक्स आ जाएगा ना थोड़ा सा मिस्टेक था वो एट नीचे था मैंने ऊपर लिख दिया था तो ये करेक्शन है प्लीज़ कर दीजिए। तो ए बी सी पाई बाय सिक्स है अब हमें क्या करना है इसका टोटल निकालना तो मैं एक बार आपको इरेज करके आपको बताता हूँ। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो आएगा द टोटल वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड इज इक्वल टू एट इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ऑक्टेंट तो यहाँ पे हमारे पास जो वन ऑक्टेंट का वॉल्यूम अभी हमारे पास आया ये आया ए बी सी अपॉन कितना आएगा यहाँ पे थ्री और ये आएगा आपके पास मतलब सिक्स आ रहा है यहाँ पे इंटू पाई है ना ए बी सी पाई अपॉन सिक्स ओके देन सिंप्लीफाई करेंगे आप तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा फोर ए बी सी अपॉन थ्री पाई ये हमारा क्या आएगा आंसर है। अगर आपको चेक करना है यार कहीं गड़बड़ तो नहीं है तो देखो स्पेयर और एलिप्सॉइड में एक ही फर्क होता है कि स्पेयर के अंदर क्या होता है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो सकता है जहाँ बी और सी वहाँ ए रख दीजिए तो ए ए ए तो फोर ए क्यूब बाई थ्री पाई बिल्कुल ये उसका वॉल्यूम होता है स्पेयर का तो आप चेक कर सकते हैं मतलब ये आंसर हमारा क्या है सही है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पे क्या किया मैंने है ना जो भी हमारे पास आंसर आया था उस आंसर को हमने यहाँ पे ये एट एक्चुअली नीचे था तो उस एट को हमने यहाँ लिखा देन गामा फाइव बाई टू आएगा इसकी वैल्यू आएगी थ्री बाई टू वन बाई टू एंड गामा वन बाई टू फोर कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास टू है ना तो सिक्स हो जाएगा तो पाई ए बी सी बाय सिक्स वैल्यू रखेंगे हम तो एट इंटू ए बी सी पाई बाय ए बी सी पाई बाय सिक्स देन आंसर आ जाएगा फोर ए बी सी बाय थ्री पाई ठीक है। तो एक दो क्वेश्चनों कराता हूँ फिर इसको हम फिनिश करते हैं।
स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल एक्स पावर माइनस वन बाई टू वाई पावर माइनस वन बाई टू एंड जेड पावर माइनस वन बाई टू वन माइनस एक्स माइनस फाइव माइनस जेड पावर वन बाई टू डी एक्स डिवाइड डी जेड एक्सटेंडेड ऑल पॉजिटिव वैल्यूज वेरिएबल सब्जेक्ट टू द कंडीशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन वन। तो क्या करेंगे देखो यहाँ पे आप सामने दिख रहा है इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको थोड़ा सा आपको ट्रिक से करना पड़ेगा है ना। तो यहाँ पे जो एक्स पावर क्या लिख सकते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ वन बाई टू माइनस वन है ना, वाई पावर वन बाई टू माइनस वन, जेड पावर वन बाई टू माइनस वन है ना, और यहाँ आएगा वन माइनस मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू डी एक्स डी वाई एंड डी जेड पावर वन बाई टू। भैया माइनस कॉमन ले लिया, अब देखो इसको कंपेयर करो है ना, लेवलीज एक्सटेंशन फॉर डिरिचलेट थ्योरम क्या होगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसको हम यू ले लेते हैं है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे लेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये यू हो जाएगा हमारा ओके। तो यहाँ पे क्या होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारे पास यू हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है इसकी वैल्यू एक्चुअली मैं इसको इस तरह से करूंगा यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी गामा ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम इस सिस्टम में फिट हो रहा है तो गामा एल गामा एम गामा एन हो जाएगा। तो यहाँ आएगा गामा वन बाई टू गामा वन बाई टू एंड गामा वन बाई टू और ये हो जाएगा आपके पास वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा देखिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी u पावर है ना वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू है ना वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू है ना माइनस वन ओके। एल की वैल्यू वन बाई टू है एम की वैल्यू वन बाई टू है। अब आप देखो कैसे हो रहा है क्योंकि माइनस वन बाई टू तो वन बाई टू माइनस वन होगा तभी तो माइनस वन बाई टू होगा तो एल एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू देन ये आएगा आपके पास वन माइनस ये आपके पास u आ जाएगा इसको u ले लो या h ले लो जो भी आपको जमता है यहाँ पे अपनों ने क्या ले लिया u ले रखा तो इसको u ले लो चलो है ना वन बाई टू इंटू डी यू हो जाएगा क्लियर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिखते हैं तो मुझे लगता है ये आपको अप्लाई करना समझ में आया होगा बाय द हेल्प ऑफ डिरिचलेट लेवलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम ओके। देन इसको हम सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ओके और जो लिमिट होगी वो क्या होगी यहाँ पे जीरो टू यू होगी। तो मैं भी आपको समझाता हूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। अब लिमिट की बात होती है चूंकि यहाँ पे दे रखा x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन वन तो आपको यहाँ पे जो लिमिट लेंगे वो क्या लेंगे जीरो टू वन लेंगे ओके। अगर बाई चांस लेस देन टू दे रखा तो जीरो टू टू ले लेंगे पर खैर अब नॉर्मली यहाँ पे लेस देन वन ही लिखा हुआ था। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट गामा वन बाई टू रूट पाई रूट पाई रूट पाई तो ये हो जाएगा रूट पाई का क्यूब है ना डिवाइडेड बाई आएगा गामा वन बाई टू गामा थ्री बाई टू है वन बाई टू वन बाई टू गामा थ्री बाई टू गामा थ्री बाई टू को लिख सकते हैं हम चलो एक बार गामा थ्री बाई टू ही लिख लो है ना। देन जीरो टू वन यहाँ पे कितना आ रहा है ये यू पावर नहीं कैंसिल होगा तो यू पावर वन बाई टू वन माइनस यू पावर वन बाई टू इंटू डी यू हो जाएगा राइट। अब यहाँ पे आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले एक बार इसको निपटा देते हैं अपन तो ये आएगा रूट पाई का क्यू और यहाँ पे आपके पास आएगा वन बाई टू इंटू गामा वन बाई टू है ना इंटू जीरो टू वन यू पावर वन बाई टू वन माइनस यू पावर वन बाई टू इंटू डी यू है ना। इसको मैं इधर क्लीन करके क्लियर करता हूँ हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको वापस यहाँ लिख देता हूँ मैं तो यह गामा वन बाई गामा पाई का क्यूब डिवाइडेड बाय ये वन बाई टू तो टू ऊपर चला जाएगा और गामा वन बाई टू के लिए भी पाई होती है देन जीरो टू टू वन बाई टू एंड वन माइनस यू पावर वन बाई टू इंटू डी यू। हम क्या करेंगे लेट u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ले लीजिए आप है ना u को साइन स्क्वायर थीटा ले लीजिए तो डी यू इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा हो जाएगा एंड तो ये देखो एक रूट पाई से एक रूट पाई कैंसिल होगा तो रूट पाई का स्क्वायर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू पाई हो जाएगी एंड जीरो। जब जीरो रखेंगे तो साइन जीरो पे जीरो होता है तो थीटा की लिमिट यहाँ जीरो हो जाएगी। जब वन रखेंगे तो साइन वन कब होता है पाई बाई टू पे होता है तो लिमिट भी चेंज करेंगे हम राइट। अब देखो यू पावर वन बाई टू तो इसका पावर लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे ये साइन थीटा आएगा नाउ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा पावर वन बाई टू और ये आएगा आपके पास टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा राइट। देन ये टू भी बाहर निकाल दीजिए आप यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी फोर पाई जीरो से पाई बाई टू है ना। देन यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है ना तो कॉस स्क्वायर का पावर वन बाई टू तो कॉस कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर साइन और साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। स्टूडेंट यहाँ हम गामा बीटा से कर सकते हैं है ना गामा बीटा से शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको ट्रिक समझने की कोशिश करना है ना मैं फार्मूला भी बता दूंगा आपको ट्रिक भी समझा दूंगा क्या होता है देखो यहाँ पे जीरो से पाई बाई टू साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा डी थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है गामा पी प्लस वन बाई टू गामा क्यू प्लस वन बाई टू अपॉन टू इंटू मतलब इसमें एक जोड़ के आधा इसमें एक जोड़ के आधा इन दोनों को जोड़ लीजिए आप तो
तो पी प्लस क्यू प्लस टू बाई टू है ना, ये हमारा फार्मूला होता है स्टूडेंट। आई टेप पे जाके वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, गामा बीटा का, आपको समझ में आ जाएगा। तो वही हम यहाँ करने वाले हैं, टू इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा गामा, थ्री बाई टू इसमें भी एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा गामा, एक जोड़ के आधा करना है ना, देन टू इंटू इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आएगा गामा सिक्स बाई टू। क्लियर है ना, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा फोर पाई से कैंसिल हो गया तो ये टू बचा, तो यहाँ पे आएगा ये टू पाई, देन इसकी वैल्यू होगी वन बाई टू गामा वन बाई टू, और इसकी वैल्यू भी होगी वन बाई टू गामा वन बाई टू, और ये होगा गामा सिक्स बाई टू गामा थ्री। गामा थ्री का मतलब होता है टू फैक्टोरियल, राइट। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पे तो ये आएगा टू पाई वन बाई टू, और वन बाई टू वन बाई फोर हो जाएगा है ना, और ये टू तो वन बाई एट हो जाएगा यहाँ पे, एंड गामा वन बाई टू गामा वन बाई रूट पाई रूट पाई, तो ये आएगा आपके पास रूट पाई का स्क्वायर, तो ये पाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास आएगा पाई और पाई पाई स्क्वायर बाय फोर, इसका आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाय फोर। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे अपन इसको, देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन दे रखा है, लॉ ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डिवाइड डी जेड सब्जेक्ट टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन वन, और आपको डिरिचलेट जो एक्सटेंशन है लाइक लेवलीज एक्सटेंशन है फॉर डिरिचलेट थ्योरम वो स्टेटमेंट होता है, तो आपको पहले इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो ये तो हमारा एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो रहा है, पर हमें एक्स पावर एल माइनस वन वाई पावर एम माइनस वन जेड पावर एन माइनस वन नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो हम इसको लेके आएंगे। तो वन माइनस वन ले लीजिए, वन माइनस वन ले लीजिए, वन माइनस वन ले लीजिए, लॉग x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, बिल्कुल हम ऐसा ऐसे लिख सकते हैं, अल्टीमेटली पावर जीरो 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 तो होता तो वन ही है ना। अब यहाँ थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, क्या होता है देखो, l की वैल्यू वन, m की वैल्यू वन, n की वैल्यू वन, तो ये आएगा गामा वन गामा वन गामा वन, एंड देन गामा वन प्लस वन प्लस वन, देन लिमिट क्या आएगी जीरो टू वन, क्योंकि लेस देन वन दे रखा है ना। देन क्या आएगा देखिए, u पावर वन प्लस वन प्लस वन माइनस वन, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा एफ यू, तो ये हो जाएगा आपका log u into du। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, है ना। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, तो गामा वन गामा तो वन ही होता है, और ये गामा थ्री, गामा थ्री का मतलब होता है वन अपॉन टू फैक्टोरियल, राइट, जीरो से वन, और ये हो जाएगा थ्री में से वन गया तो u स्क्वायर log u into du, राइट, तो ये आएगा वन बाई टू, एंड देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे log u को छोड़ा इसका इंटीग्रेशन किया है, u स्क्वायर du माइनस जिसको छोड़ा उसका क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन, देन वापिस यू स्क्वायर डी यू, देन पूरे का डी यू लिमिट जीरो टू वन, राइट, है ना। क्या होगा देखिए यहाँ पे आगे, वन बाई टू, देन ये आएगा यू क्यूब बाई थ्री लॉग यू माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये आएगा वन अपॉन यू, और ये आएगा यू क्यूब बाई थ्री डी यू लिमिट जीरो से वन, कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, देन आएगा वन बाई टू यू क्यूब बाई थ्री लॉग यू, देन यहाँ पे यू स्क्वायर आएगा तो यू स्क्वायर का होगा यू क्यूब बाई थ्री, तो ये आएगा माइनस का यू क्यूब बाय नाइन लिमिट जीरो से वन, लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे तो वन बाई टू है ना, लॉग वन, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती तो मतलब ही नहीं आएगा, माइनस का वन बाई नाइन, बाकी जीरो पे जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आंसर आएगा माइनस का वन बाय एटीन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट मुझे लगता है कि मेरा जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पे मैं लगभग तीन से चार टॉपिक ट्रिपल इंटीग्रेशन पे तीन वीडियोस ले चुका हूँ। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास बेस्ड ऑन ट्रिपल इंटीग्रल या मल्टीपल इंटीग्रल पे बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे हम यहाँ पे करेंगे, वो भी एग्जाम में इंजीनियरिंग या बीएससी में पूछ लिया जाता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद जो टेलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है और मैक्लॉरिन थ्योरम, वो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। सिर्फ एक काम करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करते रहिए, और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए। अगर आप इतना सा काम करेंगे तो आगे और भी अच्छा कंटेंट और रेस्पॉन्स के हिसाब से मैं आपके साथ काम करता रहूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।